कोरोना संक्रमण के चलते 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना बनाई है, जिसमें एसडीएम के एल मीणा ने चलित राशन की दुकान की शुरुआत की है। शहर के लोगों के लिए राशन खरीदने में अब दिक्कत नहीं होगी। होम डिलीवरी के साथ साथ किराना व्यापारियों के द्वारा 5 वाहनों से पूरे शहर में राशन भेजा जाएगा। साथ ही हरी सब्जी के लिए करीब 250 लोगों को हाथ ठेला से सब्जी बेचने की परमिशन दी गई है। टोटल लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की दुकान को खोलने से मना किया गया है, इसलिए व्यक्तियों को हमारे जो बिना नगरवासी हैं उनके लिए घर घर सामग्री पहुंचाने हेतु होम डिलीवरी की व्यवस्था एवं चलित वाहन के द्वारा किराने की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे लोगों को किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी या परेशानी का सामना ना करना पड़े। सब्जी के लिए लगभग 250 की संख्या में ठेले वालों के हमने आई कार्ड बना के दिए हैं, उनके पास प्रॉपर आई कार्ड्स हैं और उनको ठेले के द्वारा घर घर जाकर सब्जी बेचने हेतु अनुमति भी दी गई है। वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी सब्जियां ठेले के माध्यम से घर घर बेच सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय एसडीएम महोदय साहब के द्वारा हमको ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कई जगह सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उसी के संदर्भ में व्यापारी संघ ने ये निर्णय लिया है कि ये चलित वाहन शहर में चारों दिशाओं में जाएंगे और उचित मूल्य के जो मूल्य हम लोगों ने दे रखे हैंगे उन्हीं रेटों पे ये सामान की उन गलियों तक पहुँचेंगे जहाँ से पब्लिक पहुँच नहीं पा रही है, सामान उनके पास पहुँच नहीं पा रहा है। ऐसे कितने वाहन लगे हैं आपके? ऐसे 4 वाहनों की व्यवस्था करी है, चूँकि आज पहला दिन था इसलिए ऐसा पहला वाहन है, बाकी हम लोग 4 से भी संख्या बढ़ सकती है, ऐसे 4-5 वाहनों की व्यवस्था भी कर रहे हैं।